ये चिकन पापा का किचन गार्डन में उग सकता है और ये कोचो बोलो हे गाइस बोलो हे गाइस वेलकम बैक टू तू तू चैनल तो या गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो या गाइस अभी हम जा रहे हैं एमोय लेने के लिए क्योंकि हमारा घर से हम लोग को कुछ सामान चिकन भेज दिया था तो उसको अभी हम लोग बनाएगा पिकल्स तो उसके लिए हम लोग को चाहिए एमोय तो हम लोग का एमोय खत्म हो गया तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं एमोय लेने के लिए। रूम का अंदर काफ़ी ठंडा होता है लेकिन बाहर निकलते ही काफ़ी गर्म है तो मैं इतना बड़ा बड़ा स्वेटर पहन लिया झापड़ मार रहे। बाकी सब जगह में ठंडा का मौसम आ गया बस ये डिब्रूगढ़ में आना रहे बाकी रह गया आता ही नहीं। तो हमने ले लिया है ये मोबाइल ये सस्ता होता है इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि इतना भी पैसा नहीं है ये 120 होता है और प्याज का दाम अभी तक नहीं कमा है और प्याज है 76 किलो। तो गाइस अभी आ गए हैं रूम पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद बनाना शुरू करेगा थोड़ा देर रेस्ट कर लेगा उसके बाद बनाएगा कपड़ा भी मैंने चेंज कर आप सबको मैं आज दिखाऊंगी कि अचार कैसे बनता बनाता है तो आपको मैं एक एक स्टेप वाइज आपको दिखाऊंगी कि कैसा बनाया जाता है। मेरे साथ सामान हो गया लोग सब कुछ अवेलेबल इतना तो नहीं है फिर भी मैं जितना हो सकता है आप लोग को शेयर करूँगी मेरी रेसिपी। तो लगभग ये चिकन पक चुका है तो चिकन को हम 50% कुक होने देना इतना भी ज़्यादा नहीं इसको यहाँ पे थोड़ा ठंडा होने देंगे इसको छीलेगा। तो गाइस अभी ये ठंडा हो चुका है अभी हम इसे छोटा छोटा पीस बनाएंगे तो मैं बना रही हूँ अभी ऐसे। तो गाइस देखते रहना आप सबको भी पता लगेगा कि कैसे बनाता है अचार तो आपको इसके लिए मेरा वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा अगर आपको सीखना है अचार बनाने का। वैसे सब लोग तो आजकल जानते हैं ये अचार बनाना। ओ देखो वहाँ में एक मेहमान आया है काले मेहमान अभी नहीं मिलेगा बाद में हड्डी बाद में मिलेगा ठीक है। दो मेहमान है आया लेग पीस होने से तो वाह ये लेग पीस नहीं क्या नहीं नहीं फ्राई होने से फ्राई होने से छोड़ना नहीं था धुआं बन से टिकता वो ये करने में सबसे बोल हाँ ये सब करने में सबसे प्रोसेस सबसे लंबा इसमें जाता है क्योंकि इसको बहुत छोटा छोटा पीस इसमें करना पड़ता है। तो गाइस इतना हो चुका है हम लोग ने इतना कर दिया है और हम लोग इतना ही कर बनाएगा क्योंकि इसको हम लोग करने दिल नहीं हो रहा है तो इसे हम लोग फ्राई करके खा लेगा और ये अभी तक छील रहा है मेहनती है तो अभी हम इसे पकाएगा तो ये इतना हो जाएगा हो गया तो अभी इसको फ्राई करेगा। दो कढ़ाई बिठा दिया है तो ऑयल गर्म हो चुका है तो अभी हम चिली पाउडर डालेंगे कलर आने के लिए स्वाद अनुसार ठीक अच्छे से मिक्स होना चाहिए। तो आप लोग अगर आप लोग अजीनामोटो धोने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है अजीनामोटो भी धाकर ट्राई करते हैं सकता है तो अजीनामोटो धोने से क्या होता है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है लेकिन हम लोग का हड्डी के लिए अच्छा नहीं होता है तो हम लोग स्किप कर दे रहा है ठीक है। अभी कुछ इस तरह दे रहा है इसको हम लोग थोड़ा देर कुक होने देगा उस तब तक हम लोग चिल्ली पीस लेगा चिल्ली का फर्ज ये पीस कर लेगा उसको क्यों उसको नहीं पीसना है ना अच्छा बड़ा पीस के बाद नहीं इसको नहीं देखो इतना छोटा छोटा है तो ये हमें पास करना है अभी ये चिल्ली और भी हम लोग फ्राई करके रखा है इसको फ्राई करने का कारण नहीं है ये थोड़ा किसको बोल रहे तुम बिल्ली बिल्ली थोड़ी ना मचा खाएगा वो मचा था उसको मत खाओ दे सारा मीडिया ना पास में आओ अभी दीदी लोग को तंग मत करना ठीक है बाय बाय। लहसुन डाल सकते हैं अजीनामोटो नहीं डालना है ना तो इसलिए हम लोग लहसुन डाल रहे हैं
तो आराम से एक हफ्ता तक तो हो जाएगा बिना वो क्या बोलते हैं उसको वो लिक्विड वाला। अच्छा को ऐसे खाने के रखते हैं ना क्या नाम का विनीगर, हाँ विदाउट विनीगर भी हम लोग 1 वीक तक इसको रख सकते हैं और 1 वीक तक तो हम लोग का अचार खत्म हो ही जाएगा उससे पहले। तो गाइस कुछ इस तरह हो गया है ये पक के तो हो चुका है। अभी लास्ट स्टेप अभी हम लोग दूसरा में फिर से हमें ऑयल डाला है क्योंकि हम लोग को फ्राई करना है इसको सोफ्ट को इसको डाल के और एक बार कर देगा तो हो जाएगा। और ये लहसुन थोड़ा ज़्यादा भी ऐसा नहीं किया मतलब पेस्ट नहीं बनाया उन्हें क्रश किया इसको हैंडसम और रिच वे। ये पिसा वाला मर्च चिल्ली अभी हम लोग यहाँ डाल देगा वाला को ये जो पका के रखा है इसे हम लोग यहाँ पे पुट कर देगा डाल देगा और मिक्स करने से हो गया। हम ये खाएंगे मौसमी तेंगा अभी मैं काट चुकी हूँ चलो लेट्स ईट। तो ये हो गया है इसे मिक्स भी कर दिया है अभी बस इसको बोतल में ढालना बाकी रह गया। तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है अब इसे स्टोर करके आराम से 1-2 हफ्ता तक खा सकते हैं विदाउट वेनेगर। तो यह आप सबको भी अच्छा लगा तो अभी बनाइए ये रेसिपी तो ये मसाला वाला चिकन को हम लोग उसको फ्राई कर रहे हैं और ये है हम लोग का शेफ। अभी मैं यहाँ पे बोल बनाऊंगी यहाँ पे जो तेल का कड़ाई टॉस में पानी भर गया तो उसका थोड़ा फ्लेवर भी आएगा ना तो इसलिए पूरा ऑर्गेनिक वाला पत्ता है ये घर का पत्ता पापा जो गार्डन में लगाता है किचन गार्डन का है ये काफ़ी फ्रेश है बिल्कुल भी मेडिसिन लेने वाला नहीं है ये सब डाल दे अरे बिल्कुल फ्रेश सब डाल दे क्यों ऐसे जो करना करो टेस्टी होने से हो गया नहीं होने से कहाँ पे गरम करेगा कच्चा देना है काम को ये पगली लड़की ये मिला रहे कच्चा कच्चा तेल दिया ढाल नहीं मिला रहा नथिंग ऐसे नथिंग गाना है गाना तो गाइस यहाँ पे कुछ अलर्ट हो गया ये देख सकते हैं ये गरम गरम वो वहाँ पे तेल ऐसा गरम करके यहाँ पे वापस रख दिया पूरा चंदा हो गया इस तरह आप देख सक रहा होगा यहाँ पे एक हॉल है अभी देख पा रहे हैं आपको यहाँ से तुम अपना पति को अभी यहाँ से ऐसे करो या फिर और चंदा दो तीन भी करके वो नहीं होता क्या चांद में देखे जब चांद ऐसे देखे आप क्या बोलते हैं उसको। तो गाइस अभी हम लोग खाना खाएगा तो खाने में आज है हाँ गाइस यहाँ पे है लाल पत्ता और ये किंग चिल्ली और ये चिकन और ये आज जो बनाया था वो चटनी और यहाँ पे है आलू भाजी और ये जूल। तो यार गाइस अभी हम खाएंगे ये सुबह से करे अभी पूरा शाम हो गया अभी शाम का कुछ 4 बज गया हाँ हम लोग दिन से ही कर रहा था लेकिन अभी शाम हो गया तो खाना शुरू करो स्टार्ट करते हैं। इतना सुंदर है ना मेरा प्लेटिंग करना इतना सुंदर बात मैं तो होटल में आने से मैनेजर जो करेगा क्या ये खाना प्लेटिंग करेगा बोल देगा ना आलू भाजी ले लो पूरा रोस्टिंग वाला टेबल आ गया मोई मोई मम्मा लोग यहाँ खाया चलिए टुकड़ा करो हाँ ठीक है हो जाएगा और ये है इसका बनाने वाला टेस्ट करके देखते हैं मजे ना मैं टेस्टी नहीं है तू तू के चने में कौन बेस्ट आ रहा है
हम लोग हॉस्टल में तीन थो रहते हैं एक रूम में, और हम तीनों को 50 रुपए का लेने से भी बॉयलर लेने से भी हो जाता है, क्योंकि ये दोनों आलू खाते हैं और हम चिकन खाते हैं। 50 रुपए काफी होते हैं वन टाइम डिनर के लिए। तो बस हो गया मेरा इतना है, अब ये खाएगी और खाएगी। तो गाइस हम लोग का प्लेट हो गया खाली, तो उसका भी हो गया प्लेट खाली। तो अभी हम लोग प्लेट वगैरह धोएंगे। 12 बजे से हम लोग बनाने के लिए किया था, बना रहा था तब, तो अभी शाम का इतना हो गया खाते पीते। हम लोग लंच तो लंच भी नहीं किया सीधा, अभी यही लंच हो गया हम लोग, ये डिनर यही लंच। तो ये गाइस तो ये सभी था आज का ब्लॉग, खत्म कर ही देगा क्या ना। तो ये गाइस अगर आप सबको अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे कुछ डालने का नहीं था तो मैंने बना लिया, आप सबको आई होप आप सबको हेल्प होगा ये चटनी बनाने के लिए। तो आप लोगों को प्रोसेस तो सेम ही है, आप लोग वह सब कर सकते हैं, इसलिए हम भी ये कहीं और से सीखा है, तो फिर भी मैंने भी इसको सिखा दिया। तो अभी नहीं, हम पहले से सकता था, दीदी बेरे में बना के बेचता था। ओके हो जाएगा, हम दोनों मिलके बनाया है। तो ये मेरा रेसिपी सिर्फ नहीं था, इसका भी रेसिपी था। हाँ, और इसका मम्मी चिकन भेजा है पासीघाट से, तो वही खाया है। उसके बाद जो ये लाइसा खाया था वो भी इसका मम्मी भेजा है। थैंक्स टू माय मम्मी एंड पापा, वो हमको हम लोग को ये सब ग्रीन वेजिटेबल ऐसा भेजा, तो हम लोग सुबह सुबह लेने के लिए गया था उसको। इतना ही था आज का ब्लॉग, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। हम कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं ना ब्लॉग डालने में, लेकिन ऐसे हम लेट नहीं करेगा, सपोर्ट करते रहना। तो आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय, लाइक बोलो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टू चैनल नहीं, टू ब्लॉग, टू ब्लॉग्स। ओके, बाय बाय बाय।